अलिफ अल्लाह इंसान। उस्ताद चंदू रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे क्या? रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है तभी तो कह रही हूँ। उस्ताद चंदू हमारी इजाजत के बगैर ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये यकीनन रीना बेगम ने किया होगा। हजूर, आपने भी तो बिना तहकीक के बगैर जाने पहचाने उसे रख लिया। खुदा जाने वो कौन है, किसने भेजी है, किसकी जासूस है वो? ये आप क्या कह रही हैं? आपके हजार दोस्त हजार दुश्मन, ना जाने उसे किसने भेजा। उस्ताद चंदू को फौरन यहां बुलाकर लाइए। जी हुजूर। चमन बेगम ठीक कह रही है, हमने इसका कुछ भी जाने बगैर इसको यहां रख लिया। आपने हमें याद किया है उस्ताद साहब। हमने सुना है आप रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे। निगार बेगम, उस लड़की में बड़ा फन है। कुदरत ने उसे फन से माला माल किया है। और मैं तो हैरान हुआ आप अभी तक उसे रक्स की तरफ क्यों नहीं लेकर आए। हमने उन्हें यहाँ अपनी खिदमत के लिए रखा है, रक्स सिखाने के लिए नहीं। वो तवाइफ नहीं है। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी तवाइफ बन सकती है। कारण है वो, और भूखे नंगे लोगों को जब उनकी औकात से ज्यादा दे दिया जाए तो वो अपने आप में नहीं रहते। ये हमारा तजर्बा भी है और दुनिया की हकीकत भी। निगार बेगम, ये आपका ख्याल है लेकिन मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। क्या मतलब? कुदरत शाहों के घर में गदा और गदाओं के घर में शाह पैदा करती है। वो लड़की गुदड़ी में लाल है, लाल। और मेरा तो ख्याल है, बल्कि मेरा तो तजर्बा है कि अगर उस लड़की को रक्स की बाकायदा तरबियत दी जाए तो वो इस कोठे की एक कामयाब तवाइफ बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि अगर रक्स में आपके कोई हमपल्ला अगर हो सकती है तो वो यही लड़की है। चाहिए हमारी बातें सुन रही थी? नहीं जी। आप झूठ बोलती हैं। नहीं नहीं, मैं तो वो पाना लेने। हम जानते हैं आप हमारी और मास्टर चंदू की गुफ्तगू सुन रही थी। चोरी करती हैं, झूठ भी बोलती हैं। चमन बेगम, कहाँ हैं आप? जी हुजूर। ले जाइए इन्हें, काल कोठरी में डाल दीजिए के इनकी अकड़ ठिकाने आ सके। माफ कर दे, आईना नहीं करूंगी। हमारे यहाँ चोरी करने वाले को यही सजा दी जाती है। ले जाइए इन्हें। चलो लड़की। नहीं नहीं, चमन बेगम माफी दे दे। चमन बेगम माफी दे दे। माफी दे दे। पता चला निगार बेगम के साथ ऐसे करने का? मेरी थी रानी तो आ गई। अम्मा, तू सोती जागती रानी के ख्वाब क्यों देखती रहती है? अरे मैं हूँ गुड्डी। गुड्डी? कौन गुड्डी? मेरी थी का नाम तो रानी है। रानी? अम्मा तू अच्छा कहे, मुझे भूल गई? कल सज्जू और मिठू को भी भूल जाना, लेकिन उसे नहीं भूलना तुझे जो छोड़ के भाग गई। कौन भाग गई है?
मुझे छोड़ के? मुझे क्या पता, आएगी तो खुद ही पूछ लेना। अब बता, कुछ खाएगी पिएगी या नहीं? ना, जा, मुझे भूख नहीं है। पर सुन, मेरी रानी के लिए एक रोटी पका दे। अम्मा, बुखार ने तुझे पागल ही कर दिया है। पता नहीं क्या बोले जा रही है। बोलती रहे, मैं तो जा रही हूँ। रानी, ओ रानी, 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 किधर नस गई रानी? चली आई तू, तेरे लालच ने तुझे अन्ना कर दिया, या तेरे खामों ने तुझे चैन ना लेने दिया। मगर ना तो तेरे ख्वाब पूरे हुए और ना ही कुछ हासिल हुआ। इससे बेहतर था तो तू वही रहती अपने खून के रिश्तों के साथ, या तो मर भी गई तो कोई कब्र में भी ना डाले तुझे। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? अम्मा, तेरी रानी मर रही है। बस आपने फोन करके पूछ लिया, समझ लें आधी तकलीफ खत्म हो गई। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, फिर आपके आने पे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सूप तो पिया ही नहीं तुमने बेटा? हाँ, वो मैं फोन पर था। नाज़नीन का फोन था? वो मुझे कहाँ फोन करती? क्यों, क्यों नहीं करती? उसके लिए उसकी पढ़ाई मुझसे ज्यादा अजीज है। लो, और जिस मोहब्बत से तुम बातें कर रहे थे, मैं तो यही समझी कि शायद नाज़नीन का फोन है। नहीं, वो मेरे एक दोस्त का भाई है, अभी अभी अमेरिका से आया है, बहुत प्यार करता है मुझसे। अभी आएगा कुछ दिनों के बाद हवेली शायद। हाँ हाँ, जरूर आए बेटा, तुम्हारे दोस्त सर आंखों पर। मगर ये तुम सूप तो पियो, ये लो। क्या सोच रही हूं? मैं सोच रही थी कि नाज़नीन को तुम्हारे पांव की चोट का पता चलेगा तो करेगी फोन। नहीं मां, वो फिर भी फोन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये बहुत मामूली सी बात है।
उसके वालदैन ने बताया था कि वो बहुत लावबाली है, सर फिरी, अपनी मर्जी की मालिक। लड़की ज्यादा ड्रामे ना करो, हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी, जानती नहीं हूं मैं। लगता है इनकी अकल ठिकाने आ गई। घर में को माफ कर दे, मुझे मुझे माफ कर दे। चलो पियो, बस चल छोड़ो। घर पे कर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, नहीं करूंगी ऐसा। ये सजा आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी होनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप इससे सबक लें। सीख लिया सबक, मुझे नहीं पता था कि आप निगार बेगम की नजरों से बच जाएंगी। अब हमारी नाफरमानी की सजा जान ली आपने? हमारे यहाँ ना ही सजाएं देने का रिवाज है और ना ही चोरी करने का। अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो वो हमारी सजा से बच नहीं सकता, समझी आप? मैं समझ गई, मुझे माफ कर दे, इधर नहीं करूंगी मैं। ये माफी आपकी आखिरी बार होगी। चमन बेगम, इन्हें ले जाइए। चल चल लड़की, चल उठ, उठ, चल चल, बस कर, बस कर। अरे वाह, आज तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं। तुम बाहर निकल कर तो देखो, लड़कियां कितनी जबरदस्त तैयार हुई हैं, जैसे ट्रिप पर नहीं शादी पे जा रही हूँ। बेचारी को मौका कहाँ मिलता तैयार होने का इतना। नाजी, तुम भी चलते तो मजा आता। मुझे कोई शौक नहीं है खंडरात देखने का। यार फ्रेंड्स के साथ जंगल पे चले जाए ना तो मजा ही आता है। वो बात भी ठीक है, लेकिन मूड नहीं है मेरा। तुम अकेली बैठ के बोर नहीं हो जाओगी? नहीं, मुझे कुछ रेफरेंस के लिए किताबें लेनी है, बासित के साथ वो खरीदने जाऊंगी। ओह, ये प्लानिंग कब हुई? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जो प्लानिंग करनी पड़ेगी? वो कैसे फायदा उठा रही हो ना, हम ट्रिप एंजॉय करेंगे और तुम कंपनी। सर्व, तुमने भी अनीश और मरहा की तरह बातें करना शुरू कर दी। यार वो भी मजाक करती है और मैं भी। वो ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ ना बताना वरना फजूल में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देंगे फिर से। क्यों? यार वो बात को लेकर इतना एग्जैजरेट कर देती है हर चीज, हालांकि कुछ है भी नहीं, वो सिर्फ मेरा मुलाजिम है। रियली? अब तुमने उसे सिर्फ मुलाजिम कह के अंडर एस्टिमेट मत किया करो। अच्छा खासा वेल एजुकेटेड, डीसेंट, हैंडसम, नोबल नौजवान है, इतना नाइस के हर सेंसिबल डीसेंट लड़की उस पे क्रश हो सकती है। इतना भी मत बनाओ उसे। अब ये अपनी नजर की बात है, अगर तुम मालिक और नौकर की आना कटाकर देखोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। तस्वीरें खींचना ज्यादा सारी। ओके। सलमा, आपको तो पता है हम आपको क्यों फोन करते हैं। जी जरूर, कोई खास मुजरा होगा, आपकी नजरें आया था। खासी समझदार हो गई हैं। ये समझदारी भी तो
आपसे ही सीखी। अच्छा, पहले तो आप बुद्धू थी ना? ना समझ जरूर था, मगर बुद्धू नहीं था। अच्छा अच्छा, अब बातें मत बनाइए, हमें ये बताइए कि आप हमारे पास कब आ रही हैं? सॉरी, आज तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आज नहीं आ सकूंगा। क्या कह रही हैं? आपको पता है ये बहुत खास मुजरा है, और हम खास मुजरे का मेकअप सिर्फ आप ही से करवाते हैं। आप खफा तो मत हो निगार बेगम, जिसे मैं भेजूंगा वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। सलमा, बस हम बता रहे हैं, हम आपके अलावा किसी से मेकअप नहीं करवाएंगे। ट्रस्ट मी निगार बेगम, आप मेरे कहने पर उससे मेकअप करवाएं? आप मुझे भूल जाएंगे। हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन उससे मेकअप करवाने के बाद आप उसे मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर करवा लेंगे उससे मेकअप। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी। रीना बेगम, जाकर बोलो कि शीरी बाई को बुलाएं, हमारे बाल सेट कर दें और पांव पर मेहंदी भी लगा दें। जाइए। जी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, पहले कभी एहसास नहीं हुआ। थैंक यू, इस तारीफ का शुक्रिया। यू वेलकम। आइए। बचपन से साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। अरे अचानक गौर की वजह क्या है ना, मेरी कुछ दोस्तें तुम पे मन मुकी हैं। Really? तो आपको उनके बताने पे पता चला कि मैं हैंडसम हूँ? ये तो नजर नजर की बात होती है ना, कभी कुछ नजर नहीं आता और कभी सब कुछ नजर आ जाता। लेकिन आज मुझे भी आप में कुछ बात अलग सी लगी, और ये किसी के बताने पे, खुद देखने पर कह रहा है। क्या? आप पहले भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लगती हैं। लगता है शहर के माहौल ने आपको काफी मॉडर्न बना दिया। अरे वाह, इस खूबसूरत इंकशाफ को सुन के दिल खुश हो गया। लेकिन अफसोस, तुमने ये इंकशाफ पहले कभी नहीं किया। अच्छा, और अगर पहले कह देता तो क्या होता? होने का तो बहुत कुछ हो सकता। फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, और आपकी अगर फ्रेंड्स आज साथ होती तो इंकशाफ आज भी ना होता। फिर तो ये अच्छा हो गया कि वो ट्रिप पे चली गई, यहाँ होती तो शुरू हो जाती है एक ही दफा। तो पढ़ाई कैसे जा रही है? जी बिल्कुल ठीक। और आपकी? हाँ अच्छी, बहुत अच्छी जा रही है। आज तो निगार बेगम के वारे न्यारे हो जाएंगे। सुना है कोई बहुत बड़ा सेठ है जो कोठे पर गैर मुल्की लोगों को लेकर मुजरा देखने आने वाला है। निगार बेगम के होते हुए कोई खास मेहमान भला कैसे कहीं और जा सकता है? क्या मतलब? शीरी बाई सब जानती है, निगार बेगम ये कहाँ बर्दाश्त करती हैं कि उनके होते हुए कोई और तवायफ उनसे आगे निकल जाए। इंतकाम लेने में निगार बेगम से आगे कोई नहीं हो सकता। ये तो ठीक कहा, नगीना बेगम ने 18 साल की उम्र में इस कोठी का बहुत नाम रोशन किया था, और निगार बेगम उनसे जल गई, और फिर
एक रोज नगीना बेगम ऐसी गायब हुई कि आज तक किसी को पता ना चला कि जमीन निकल गई, आसमान खा गया उन्हें। सुना है उस्ताद चंदू ने रीना बेगम की तारीफ की और निगार बेगम ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। मुझे तो उस पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। बेवकूफ यहाँ क्यों चली आई, इससे तो वो भिखारी नहीं बेहतर थी। हमसे पूछती तो हम बताते उसे कि रेशमी पर्दे और रंग बिरंगी शीशों के पीछे खूबसूरत लिबास और जेवरात पहने हम तवायफे किस तरह अपनी जिंदगियां गुजारती हैं। खूबसूरत मेकअप ज़दा चेहरों के पीछे जख्मी दिल, तड़पती हुई रूहें और टूटे हुए जिस्मों के साथ जिंदा लाश बनकर रहती हैं यहाँ। अब बस भी करो शीरी भाई, हम अपनी किस्मतों से तो नहीं लड़ सकते ना। हम तो बेबस हैं, जैसे किसी भंवर में फंस गए हैं। अब ना ही यहाँ से निकल सकते हैं, ना ही कोई बचाने आएगा, और अब यही हमारी मंजिल। और हमें ज्यादा मजबूर बनाया है निगार बेगम ने। किसी और के कोठे पर इतनी सख्तियाँ नहीं होती जितनी हम पर। मेरा तो दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन भाग कर जाओगी कहाँ? किसी और कोठे पर तवायफों को ये इज्जत भी नहीं मिलती जो निगार बेगम के कोठे पर मिलती है। यही तो मजबूरी है, हम यहाँ रह सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं और ना ही मर सकते। बासित, आपने किताबें खरीद ली? हाँ खरीद ली, देखो कैसी हैं। ठीक है, लड़कियां अक्सर ऐसी रोमांटिक बुक्स ही पढ़ती हैं। क्या मतलब? तुम्हारा क्या ख्याल है कि सिर्फ लड़के इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ते हैं और लड़कियां सिर्फ रोमांटिक बुक्स पढ़ती हैं? हाँ अमूमन सुनने में तो ये है। क्यों, लड़के रोमांटिक नहीं होते? होते होंगे, मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मैं क्या कहूँ। इतना भी मत बनो, मैं मानती नहीं इस बात को। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सच कह रहा हूँ, मोहब्बत की चिड़िया तो आसपास भी नहीं गुजरी मेरे। मैं नहीं मानती। आपकी कसम, I'm sorry, मेरा मतलब है कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं। आज से ये रोमांटिक बुक्स तुम पढ़ोगे और मैं तुम्हारी संजीदा। क्या मतलब? रोमांस पढ़ोगे तो रोमांस करना आएगा ना, और मैं तुम्हारी मुसव्वर की किताबों से रंग भरना सीख के तुम्हारी सोचों में रंग भर दूंगी। चले चले। अल्लाह, तूने भी इंसान को किस मिट्टी से बनाया, उसे किसी भी पल चैन क्यों नहीं आता, वो खुश क्यों नहीं होता। पहले मैं भिखारण थी तो तुझसे शिकायतें करती रहती थी, निगार बेगम के पास आने की कितनी दुआएं मांगती थी, और अब तूने दुआएं पूरी कर दी हैं तो मैं पहले से भी ज्यादा उदास हूँ, पहले से भी ज्यादा आवाज़ार हूँ। मुझे इत्थे आके क्या मिला है? इंसान तो नहीं जानता कि उसके लिए क्या ठीक है, मगर तू तो जानता है ना। तू जो भी पुट्टी सिद्धी ख्वाहिश इंसान मंगे पूरी कर देता है। मैं अपनी चुक्की को छोड़ के इस मनहूस उच्चे कोठे पे आ गई, कितना काटे का सौदा किया है। अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू है, ना मैं हंसती हूँ ना मुस्कुराती हूँ,
मेरी खुशियां कितने चली गई है अल्लाह जी। मालूम है ना कि बालकोनियों, मुंडेरों और खिड़कियों में खड़े होकर यहाँ पे इशारे कनाए करना इस कोठे की शान के खिलाफ है। बंद करें इसे। निगार बेगम को अगर पता चल गया ना तो वो कितना खफा होंगी। पिछला तजर्बा याद है ना आपको? नहीं, वो मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं फिर यहाँ खड़ी हो गई। और अच्छू को इशारे करने लगी? वो तो अचानक। रीना बेगम, ना हमने अपने बाल धूप में सफेद किए ना अभी आपके दूध के दांत बाकी हैं। जाइए यहाँ से, हम निगार बेगम को कुछ नहीं बताएंगे, मगर आइंदा आपने ऐसी हरकत की तो फिर बताना ही पड़ेगा। नहीं करूंगी, शुक्रिया। निगार बेगम ने कहा था कि श्री बेगम को बुलाना है, उनके पैरों पे मेहंदी लगानी है। ठीक है, बुला लेती हूँ, मगर आप नीचे नहीं जाएंगी, पता है ना आपको? खैरियत तो है? तुम मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? अभी तो इतना सब कुछ खाया है आपने, आइसक्रीम की गुंजाइश है? वो सब तो हजम हो गया है। अच्छा, लाता हूँ। आप खाइए। फिर मैं भी नहीं खाती। वो आपकी मर्जी। तुम मेरा दिल तोड़ोगे? आप और आपका दिल किसी और की अमानत, ये मत भूलिएगा। हम दोनों के रास्ते हमेशा जुदा जुदा रहेंगे। हम वक्ती तौर पर एक राह पे चल तो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल कभी भी एक नहीं होगी। तो वक्त बताए। मतलब मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। हाँ बासित, और नाजी कहाँ है, फोन नहीं उठा रही अपना? जी जी, वो उन्होंने कुछ किताबें नहीं ली थी, मेरे साथ ही हैं, हम मार्केट से आ रहे हैं, उनका फोन हॉस्टल में रह गया था। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ है ना, तो बस फिर ठीक है, कोई और कह रहा होता तो मुझे कभी भी एतबार ना आता बेटा। जी जी, मैं जानता हूँ मालिक साहब। देख पुत्र, तूने नाजी का ख्याल रखना है, खास तौर पर उठना बैठना अच्छी लड़कियों के दरमियान हो, हाँ किसी के बहकावे में ना आ जाए। हाँ, उसकी माँ हर वक्त बस परेशान रहती है इस बात से। हाँ जी, आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है पुत्र, ठीक है, नाजी को कहना कि जब हॉस्टल पहुँच जाए ना तो मुझसे बात करें, मैंने बात करनी है जरूरी। जी जी, बेहतर मालिक साहब।
क्या कह रहे थे? हॉस्टल पहुंचकर उन्हें फोन कर लीजिएगा। ठीक है। मलिक साहब, मैं सोच रही थी दो चार दिन के लिए शहर नाजी से मिलने चली जाऊं। वो क्यों? आपको तो पता है ना, हमारी नाजी जरा निडर और खलंडरी सी है, फिर न जाने शहर का माहौल कैसा है। हॉस्टल से भी किस्म किस्म की लड़कियां आकर रहती हैं, वो तो एक मिनट किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, कहीं लड़ाई झगड़ा ना करती हो। तू फिक्र ना कर, बासित है ना साथ उसके। तो बासित कौन सा उसके साथ हर वक्त रहता होगा? ओ भाई, तू क्यों फिक्र करती है, मैंने उसको कह रखा है ना कि नाजी को अगर कहीं जाना हो तो वो खुद उसको साथ लेकर जाए। नाजी को कुछ किताबें लेनी थी, वो साथ गया है। क्या सोचने लग पड़ी है तू? मलिक साहब, जो भी है, बासित एक मर्द है ना, और इस तरह नाजी का अकेले गैर मर्द के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है। ओहो, बासित पर मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूँ, उसके अबाओ अजदाद हमारे खिदमत गुजार रहे हैं। मलिक साहब, वो जमाना गया, अब तो नए लोग हैं, नई सोचें हैं, नया दौर है। वो तो कहना क्या चाह रही है, बेटी की माँ के पास सोचें और फिक्रों के अलावा क्या होता है? क्या कहूँ मैं? ओ हक में, तुझे कहा है ना फिक्र न कर, नाजी मेरी बेटी है मेरी, और बासित जो है वो कादर अली का बेटा है, दोनों के खून में वफा है, इज्जत है। मलिक साहब, ये भी बात याद रखें, जब इंसान बहकने पे आता है ना, तो ना वो खानदानी वकार देखता है, ना इज्जत है और ना ही वफा है। वैसे जज मजा बहुत आया, थैंक यू सो मच। कल से मेरे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, कुछ रोज बिजी रहूंगा, इसीलिए नहीं आ पाऊंगा। जब से अब्बा का फोन आया तुम खामोश क्यों हो गए? मलिक साहब ने मुझे एहसास दिलाया कि आप मेरे लिए भारी जिम्मेदारी हो, आइंदा से जब आप अकेली हो तो प्लीज पीछे बैठा करें। क्यों? क्योंकि हम दोनों के दरमियान जो फासला है वो बरकरार रहे तो यही अच्छा। वरना? वरना मैं इस फासले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे बात है, इंसान को इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए जितने तुम हो, और इतना निडर भी जितनी क्या आप। आंखें बंद, अभी नहीं खोलनी निगार बेगम, एक मिनट। ड्रेस कितना, अलिफ अल्लाह अर इंसान।